नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए ऐसी जानकारी लेकर आई हूँ जिसमें आपका बहुत बड़ा फायदा छुपा है, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ कि लॉकडाउन के बाद आप अपना खुद का कारोबार शुरू कर सकते हैं, खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और इसके लिए आपको अपना पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, या फिर अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी आपको मोदी सरकार लोन दे रही है। और ये लोन कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा, ये पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मैं बता रही हूँ। क्योंकि ऐसा हुआ है कि लॉकडाउन की वजह से कई लोगों की नौकरी जा चुकी है, या फिर लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनकी नौकरी जा सकती है, या फिर ऐसा लगता है कि उनको उतनी सैलरी नहीं मिल पाएगी जितनी उनको पहले मिलती थी, तो आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये पीएम मुद्रा योजना की जो शुरुआत की थी उसके बारे में आपको बता रही हूँ कि कैसे आप लोन ले सकते हैं। कोरोना वायरस महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है, लॉकडाउन के चलते लोगों के रोजगार पर काफी असर पड़ा है। जिन लोगों की नौकरी या काम धंधा इस लॉकडाउन के चलते प्रभावित हुआ है, उन्हें मोदी सरकार फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने का जो मौका है वो दे रही है। अगर आप भी लॉकडाउन के बाद खुद का कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो सरकार इसमें आपकी मदद जरूर करेगी। आपको नया छोटा कारोबार शुरू करने या फिर अपने पुराने काम को भी और ज्यादा बढ़ाने के लिए, अगर आपका काम कोई है पहले से तो उसको भी आगे बढ़ाने के लिए 10 लाख रुपए तक के लोन की योजना जो है वो शुरू की गई है। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसे पीएमएमवाई कहा जाता है, उसकी शुरुआत की थी। ये योजना वैसे लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी है जिन्हें बैंक के नियम पूरा न कर पाने की वजह से अपना कारोबार शुरू करने के लिए कर्ज नहीं मिल पाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पीएमएमवाई के तहत हर वैसा व्यक्ति लोन ले सकता है जिसके नाम पर कोई कुटीर उद्योग है या फिर जिसके पास पार्टनरशिप के दस्तावेज हैं। छोटे कारोबारी और दुकानदार भी इससे लोन ले सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पीएमएमवाई के तहत तीन स्टेप हैं इसके। इन तीन चरणों में लोन दिया जाता है। सरकार ने इसे शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन की कैटेगरी में डिवाइड किया है। अब ये क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। शिशु लोन योजना ये है कि इसमें इसके तहत दुकान आदि खोलने के लिए 50,000 रूपए तक का लोन लिया जा सकता है। किशोर लोन योजना है, इसमें 50,000 रूपए से 5 लाख रूपये तक की जो राशि है वो ली जा सकती है, 5 लाख रूपये तक का लोन लिया जा सकता है। तरुण लोन योजना, अगर आप कोई छोटा मोटा उद्योग शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए तरुण लोन योजना में 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन आपको दिया जा सकता है। ये लोन कौन ले सकता है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सिर्फ छोटे व्यापारियों और कारोबारियों के लिए है। अगर आप कोई बड़ा कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो इस योजना के तहत आपको लोन नहीं मिलेगा। अगर आप सोचे कि बहुत बड़ी कंपनी आप लगाना चाहते हैं जिसमें कई लाखों का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा तो वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, 10 लाख रुपए तक का ही लोन इसमें मिल सकता है। छोटी असेंबलिंग यूनिट, सेवा क्षेत्र की इकाइयां, दुकानदार, फल सब्जी बेचने वाले, ट्रक परिचालक यानी ट्रक ड्राइवर, खाद्य सेवा इकाइयां, मरम्मत की दुकानें, मशीन परिचालन, लघु उद्योग, दस्तकार, फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करने के लिए इस योजना के तहत लोन लिया जा सकता है। लोन आप कहां से ले सकते हैं? मुद्रा ये जो योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके तहत किसी भी आप सरकारी बैंक में जाइए, ग्रामीण बैंक में जाइए, सहकारी बैंक में या फिर प्राइवेट बैंक या विदेशी बैंक में आपको लोन मिल सकता है। आरबीआई ने 27 सरकारी बैंक और 17 प्राइवेट बैंक, 31 ग्रामीण बैंक, 4 सहकारी बैंक, 36 माइक्रो फाइनेंस संस्थान और 25 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को मुद्रा लोन बांटने के लिए अधिकृत किया है, जिन्हें एनबीएफसी कहा जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में और अधिक जानकारी आपको एक वेबसाइट से मिलेगी जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। उस लिंक पर जाते ही आप क्लिक करते ही आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएगी, पूरी वेबसाइट खुल जाएगी और आप अभी इसी वक्त पूरी डिटेल जानकारी देख सकते हैं कि ये लोन किस तरह से मिलेगा, किसको मिलेगा, पूरी डिटेल आपको पता चल जाएगी। अगर फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं इस लोन के बारे में या किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही है उसमें से जो आपके फायदे से जुड़ी योजना है, ऐसी स्कीम है जिसमें आपका फायदा जुड़ा है, इस चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो, ऐसी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ बीच बीच में, जिसमें आपका बहुत बड़ा फायदा छुपा है, जो आम लोगों के लिए है, जो मिडिल क्लास लोगों के लिए है, गरीब लोगों के लिए है, ऐसी योजनाएं, ऐसी स्कीम जिससे उनको लाभ हो रहा है। और इससे पहले भी मैं कई ऐसी स्कीम के बारे में बता चुकी हूँ जिसमें आपका फायदा छुपा है। तो चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जो है, बेल आइकन जिसे कहा जाता है, उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि क्या होगा अगर आप उसे क्लिक कर देते हैं बेल आइकन को, तो जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड होगी, आपके फायदे से जुड़ी कोई भी वीडियो हमारे चैनल पर आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा कि भाई वीडियो आ गई है, आप वीडियो देख लीजिए। तो वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए हमारा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, ताकि हम इसी तरह से आपकी
लिए ऐसी जानकारी लाते रहें जो आपके फायदे से जुड़ी है। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। जितने भी दोस्त हैं अभी इसी वक्त आप उनसे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, उन तक ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिए, ताकि जो लोग हैं जिनको इस बारे में पता नहीं है, वो बेचारे, वो गरीब लोग जिनकी नौकरी छूट चुकी है या ऐसा लग रहा है उनको कि नौकरी छूट जाएगी, ऐसे लोग जिन्हें लगता है कि भाई अब कोई अपना काम धंधा कर लेते हैं लेकिन उसके लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो आप उनसे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचा दीजिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन और जानकारी मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।